गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसबीपीएस फॉर स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स। एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व इन वेरिएबल। ये आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने पार्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें वेरिएबल मींस अल्फाबेट नहीं है। तो आप देख रहे हैं ए में अल्फाबेट एक्स है, बी में कोई अल्फाबेट नहीं है, तो दिस सी में भी आपका कोई अल्फाबेट नहीं है दिस। तो इसमें ऑनली बी एंड सी दो पार्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है। डी में भी आपका एक्स है, ई में एक्स है, एफ में पी है, एच में पी है, जी में एक्स है और आई में के है। नंबर 2, राइट द स्टेटमेंट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। पार्ट नंबर ए, जेड प्लस 5। अब इसको आप स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, सम ऑफ जेड एंड 5। पार्ट नंबर बी, 2x प्लस 3, 3 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, 2x अपॉन 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x डिवाइडेड बाय 3। पार्ट नंबर डी, 4x माइनस 7, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। पार्ट नंबर ई, 7 माइनस 4p, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड p subtracted from 7। पार्ट नंबर f, 8 माइनस 2x, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x subtracted from 8। पार्ट नंबर g, माइनस 4q, प्रोडक्ट ऑफ माइनस 4 एंड q। पार्ट नंबर h, 4x प्लस 1, 1 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। पार्ट नंबर i, k अपॉन 2 प्लस 1, 1 एडेड टू द क्वोटेंट ऑफ के आई 2। पार्ट नंबर जे, 4x डिवाइडेड बाई 3, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x डिवाइडेड बाई 3। पार्ट नंबर के, माइनस 2m प्लस 5, तो प्रोडक्ट ऑफ माइनस 2 एंड m एडेड टू 5। ये आपके 1 और 2